फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज वर्मी कंपोस्ट रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयरिंग के ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, हाल फिलहाल के बहुत सारे वीडियोस में लोग क्लेम करें कि वर्मी कंपोस्टिंग बिजनेस में काफी लार्ज अमाउंट का बेनिफिट होता है। वहीं बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि ऐसे वीडियो आप ध्यान ना दें और इतना बड़ा अमाउंट का, इतना बड़ा मुनाफा इस बिजनेस में नहीं होता है। दोनों ही टाइप के लोग जो हैं, जो क्लेम करते हैं और जो उसको ना करते हैं, किसी भी टाइप का फैक्ट एंड फिगर्स नहीं रहे सामने में, सिर्फ लॉजिक के बेसिस पे अपने अपने कॉन्सेप्ट से बताते हैं। आज के इस वीडियो में जो मेरा काफी दिनों का एक्सपीरियंस रहा, पिछले 6-7 सालों का, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेटअप लगाने से लेके और 2-3 साल के पीरियड में हम क्या क्या बेनिफिट कितना कमा सकते हैं, कितना बेनिफिट ले सकते हैं इस साइड से, उस चीज को विथ फिगर विथ नंबर एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया। तो आइए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम क्या क्या बेनिफिट एक्चुअली ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। कि हम लोग इंट्रो में डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये जो बिज़नेस है वर्मी कंपोस्टिंग का, इसमें प्रॉफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। अच्छा, एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जो लोग भी क्लेम करते हैं यूट्यूब पे कि भाई वो करोड़ों में कमा रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं, वो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वो लोग हैं जिनके पास काफ़ी बड़े संख्या में बेड हैं, 500 बेड, 700 बेड, 1000 बेड हैं, जो पिछले 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से काम कर रहे हैं, ठीक, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है, नॉलेज उनके पास अच्छा लेवल पे है, कस्टमर बेस जो है, जो मार्केट उन्होंने काफ़ी अच्छा बना रखा है, और हर टाइप के, या ऐसे कहें कई टाइप के मार्केट्स उनके पास है, कई टाइप के कस्टमर्स उनके पास है, ठीक, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो अपना चीज़ को बेचते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं, इनरिस्ट वर्मी कंपोस्ट भी बेचते हैं, अर्थों भी बेचते हैं। ये सारा कुछ मिला के वो क्लेम करते हैं कि भाई उनके पास इस अमाउंट का प्रॉफिट हो रहा है, इस अमाउंट का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। आप वर्मी कंपोस्ट बिजनेस स्टार्ट करने वाला बंदा खुद को जब कंपेयर करता है, तो वो 7 साल, 8 साल, 10 साल जो मेहनत, जो पसीना, जो खून उस बिजनेस में गया है, वो गया होता है, वो नहीं दिखता है, ठीक। इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा के ही चले तो हमको समझने में बड़ी आसानी होगी, ठीक है। ये फिर से एक बहुत अच्छा सा मुझे स्लाइड मिल गया था तो मैंने यूज़ कर लिया कि भाई वर्मी कंपोस्टिंग क्या हमारा सोने की अंडा देने वाला हंस या बत्तख या मुर्गी है, या सब बकवास बात है, सब सपना है और बेवकूफ़ बनाने की तरीका है, लोग बेवकूफ़ बना के अपना वर्म्स बेच लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इस वीडियो का वो है कंटेंट है कि भाई हम पहले बेसिक अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम 1 साल अगर हम सेटअप लगाते हैं तो पहले साल में क्या क्या होगा, कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे, फिर दूसरे साल में क्या क्या कैसे होगा वो डिस्कस करेंगे, और हम एक कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि भाई कितना प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है या प्रॉफिटेबल नहीं है, बेकार की बातें हैं, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो किसी भी बिजनेस में, वो वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस हो या कोई और बिजनेस हो, दो बहुत अच्छे तरीके होते हैं बिजनेस में प्रॉफिट करने के। एक कि आप अच्छे रेट पे चीज़ों को बेचें, अच्छे से अच्छे दाम पे चीज़ों को बेचें, ठीक है। दूसरा, जो आपका खर्चा है वो जितना पॉसिबल है कम कर लें, हाई रेट पे बेचें, अच्छा मुनाफा निकालें और अपना खर्चा कम कर लें, तो आपका प्रॉफिट वैसे ही बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं पिछले कई सालों से यह प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जितने भी हम साइट लगाते हैं उन सबको हम यही प्रैक्टिस कराते हैं, जिसको कहते हैं जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग का ये मतलब नहीं कि पूरा शून्य होता है, सब कुछ जीरो शून्य नहीं होता है, बट कि जो हमारी कॉस्टिंग है वो वेरी लो होती है। क्या होती है? वेरी लो, बहुत कम खर्च होता है हमारा, ठीक है। हम लोग क्या है, अपने साइट पे कोई प्लास्टिक शीट यूज़ नहीं करते, कोई ईंटें यूज़ नहीं करते हैं, और हमारा पूरा फोकस होता है कि जो हमारा लेबर है, जो हमारे कर्मचारी हैं, ठीक, वो उनका ऑप्टिमाइज्ड, उनके समय का ऑप्टिमाइज्ड यूज़ हो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनके समय का इस्तेमाल हो, जो उनका वर्किंग आवर है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो, उसको अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट ना किया जाए, ठीक। इसीलिए कई सालों से हम वर्मी का लो बजट, या बोले जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं।
हमारा जो साइट का डिज़ाइन है, जो मॉडल है, वो भी ऐसा रहता है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, जैसे हमने अपनी साइट का एक वीडियो डाला है, तो साइट पे देखेंगे गोबर जो है ना कई जगह पे प्लेस किया रहेगा। ठीक, गोबर जो है कई जगह पे प्लेस किया रहेगा। हम सेंट्रली एक ऐसे रोड बना लेते हैं स्ट्रेट। सीविंग का काम, डंपिंग का काम, पैकिंग का, लोडिंग का सारा काम इसी हम रोड पे कर लेते हैं। दोनों साइड हमारे बेड लगे हैं। जिस सेट ऑफ बेड से हमारा कंपोस्ट निकलता है, वो उसके सामने ही सीव हो जाता है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भाई प्रॉफिट करना है तो अपनी कॉस्टिंग कम करके चले। जब भी हम एक नया साइट लगाते हैं, ठीक है, चल रहा है, तो जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, तो कुछ एजम्पन्स हमको लेके चलने होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, जब थियोरेटिकली बात करते हैं, तो एक आइडल सिचुएशन का बात करते हैं। हमारे इस बिजनेस में सबसे बड़ा जो एजम्पन हम लेके चलते हैं कि लैंड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इंफ्रा के कॉस्ट है, वो हमारा वर्किंग कैपिटल कॉस्ट में, जो वर्किंग का ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपना खुद का लैंड है, उनके लैंड में पहले से ही बिजली और पानी का व्यवस्था किया हुआ है। अगर आप लीज पे लैंड लेते हैं, रेंट पे लैंड लेते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपको वैसा ही लैंड मिले, या वैसा ही आप लैंड सेलेक्ट करें जिसमें पहले से ही आपका पानी और बिजली दोनों जो है पहले से ही किया हुआ, ताकि ये जो खर्चे हैं आपको ना करना पड़े, ये जो एक्सपेंसेस है अपने पास से नहीं करना पड़े। ठीक, फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा आइडल सिचुएशन है, जो आइडल कंडीशन हम लेके चलते हैं इस अपने बिजनेस को ये सोने का अंडा साबित करने के लिए, वो ये है कि जो भी काम होना है समय पे हो रहा है। जितने भी साइकिल हम कंप्लीट करने हैं, वो सारे साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं। हर काम समय पे हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, तो ही हम आइडियल सिचुएशन को अचीव करते हैं या उसके पास जाते हैं, और जो हमारा टारगेट है वो हम अचीव कर पाते हैं। जितना हमने अपने गोल सेट कर रखे कि भाई मुझे इस साल इतना पैसा कमाना है, इस साइकिल से इतना पैसा निकले, इस साल से साइकिल से इतना पैसा निकले, जो कि हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, वो तभी अचीव होगा जब ये दोनों काम होगा कि सारे काम अपने से पे हो रहे हैं, उसमें कहीं कोई कमी पेशी नहीं हो रही है। इस बिजनेस को करने के लिए हमारे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अपार्ट फ्रॉम लैंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। पानी, बिजली और जगह को हम छोड़ देते हैं, तो भाई इस सेटअप में हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, इन तीनों के अलावा जो सबसे बड़ा हमारा रिक्वायरमेंट है, वो है हमारा गोबर। ठीक है, हमारा काउ डंग या बफलो डंग, जो भी हमको गोबर मिल जाए, वो गोबर हमारा सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। ठीक, गोबर का रेट जो है बहुत हद तक रेट तय करता है कि आपके वर्मी कंपोस्ट का क्या रेट रहेगा। अगर हम बात करें कि इंडिया के किस पार्ट में गोबर किस रेट पे मिल जाता है, तो पहले तो ये एरिया है जहाँ तो वर्मी कंपोस्ट लगभग ना के बराबर बनता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में हमको लगभग 1000 से और 2000 के बीच में गोबर मिल जाता है पर ट्रॉली, ये हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में गोबर बहुत ही महंगा मिलता है। यहाँ पे 15,000 रुपये से ऊपर का गोबर मिलता है पर ट्रॉली। नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा मार्केट वर्मी कंपोस्ट या गोबर का है, क्योंकि जितने भी चाय के बागान हैं सभी वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर हम साउथ में आ जाए, ये पूरा साउथ का रीजन, इनफैक्ट महाराष्ट्र भी उसमें इंक्लूड होता है, इसमें भी गोबर जो है लगभग 100 रुपये के आसपास मिलता है। ठीक, अगर हम एमपी, गुजरात, राजस्थान, इन एरिया की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो है लगभग ये 2000 का आसपास का रेट हमको मिल जाता है। ये सारे रेट विथ ट्रांसपोर्टेशन टू द साइट की बात कर रहे हैं, आपके साइट पे, आपके प्लांट पे गोबर पहुंचा के हम बात कर रहे हैं पर ट्रॉली का। जिस ट्रॉली की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो ट्रॉली हमारी हो जाएगी लगभग लगभग 100 क्यूबिक फीट की। ठीक है, जिसका जो वेट है ना, वो वेट आएगा आपका 3000 से लेके 3500 किलो तक। ठीक है, एक ट्रॉली का जो वॉल्यूम है, जो आयत है, वो हो जाएगा आपका 100 क्यूबिक फीट, 100 फुट की ट्रॉली हो जाएगी, और जिसका वजन आएगा आपका 3000 से 3500 किलो तक। ऐसी ट्रॉली जो है, अब मैंने लिख दिया कि भाई पूरे भारत में किस किस जगह पे किस किस रेट से मिलती है। ठीक है, लगभग सभी जगह हमने साइट लगाई है, इसीलिए ये हम रेट निकाल पा रहे हैं। तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए एक बार एवरेज का 2000 रुपया पर ट्रॉली का हम रेट अज्यूम कर लेते हैं कि भाई लगभग लगभग 2000 में हमको ट्रॉलियां मिल जाएगी।
कहीं पे थोड़ा कम होगा, कहीं पे ज़्यादा होगा। जहाँ पे थोड़ा कम होगा वहाँ पे जो हम रेट लेके चलेंगे उससे हल्का कम रेट का वर्मी कंपोस्ट बिकेगा। जहाँ पे ट्रॉली इससे 2,000 से महंगी है वहाँ पे जो हम रेट लेके कैलकुलेट करेंगे हमारा रेवेन्यू सेल्स से, हम जिस रेट पे कैलकुलेट करेंगे वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट उससे कहीं ज़्यादा महंगे रेट पे मिलेगा। तो कैलकुलेशन में अगर यहाँ पे आपका ट्रॉली के रेट में बढ़ेगा तो आपके सेल्स में भी बढ़ जाएगा इक्वली। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट पे जो कि हमारा है अर्थवर्म। अर्थवर्म इस पूरे बिजनेस का रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है भाई। ये अर्थवर्म है तो बिजनेस है, अर्थवर्म नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं रहेगा। कोई भी बिजनेसमैन जो अर्थवर्म वर्मी कंपोस्टिंग करना चाहता है, अगर वो अर्थवर्म अपना बचा के रहता है तो इस बिजनेस में कभी भी उसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर वो अर्थवर्म मार देता है तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास कोई बिजनेस, जो जिस प्रजाति का हम यूज करते हैं वो है आइसिनिया फटीडा। ठीक, क्योंकि ये पूरे भारत में हर टाइप ऑफ क्लाइमेट में, हर एक सीजन में, हर एक क्लाइमेट में बड़े आराम से अडेप्ट कर जाता है। ठीक है, अर्थवर्म का जो प्राइस है इंडिया में बहुत ही लार्ज लेवल पे एक्सटेंड वेरी करता है। ये लगभग 75 रुपया से लेके 1200 रुपया किलो तक के रेट्स हैं। ठीक, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो आपको 1200 रुपया किलो मिलेगा, आप साउथ में चले जाएंगे तो 450 से 500 रुपये के रेट में मिलेगा। अगर आप एमपी में चले जाते हैं, यूपी के कुछ एरिया में चले जाते हैं, और जयपुर में अपने गुजरात में चले जाते हैं तो जो आपका रेट है वो 300 से 350 रुपये के आसपास है। जब आप एनसीआर में आते हैं तो जो आपका रेट है वो 75 से लेके लगभग 250 रुपया तक का रेट मिल जाता है। तो हमारे इस पर्पस के लिए, सिंस हम लो कॉस्ट वर्मी कंपोस्टिंग की बात करते हैं, जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो जो हम अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 100 रुपया प्रति किलो, या हम ऐसे कहें कि 100 रुपया प्रति 1000 वर्म्स के हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, 1 किलो में, 1 किलो जो कल्चर है उसमें कम से कम 1000 केशवे होने चाहिए, और एक रनिंग फीट में जो हमारे बेड की लंबाई होती है, जो रनिंग लंबाई है, 1 किलो, 1 फीट में 1 किलो वर्म, 1 किलो कल्चर या 1000 वर्म डलना चाहिए। ठीक, तो वो हम विथ ट्रांसपोर्टेशन जो है, विथ ट्रांसपोर्टेशन 100 रुपया का रेट हम मान के चलेंगे, क्योंकि हम जो है 75 के रेट पे अगर बड़े आराम से केचवा दे देते हैं पूरे इंडिया, कहीं भी हम डिलीवरी करवा देते हैं विथ कुरियर 110 रुपया के रेट पे। ठीक, इसके अलावा जो तीसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है बेड। भाई साहब, इसको बोलते हैं हाउस या हाउसिंग। ठीक, सबसे इग्नोर पार्ट है हमारे इस बिजनेस का, जितने भी वर्मी कंपोस्टिंग के लोग मिलेंगे अक्सर लोग इस चीज़ को इग्नोर कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि भाई इसको, जो हम केले के पत्ते या पराली यूज़ करते हैं, तो कैसे केले के पत्ते को या पराली को रिप्लेस करके कोई इजीली मिलने वाला चीज़ से रिप्लेस कर ले। जैसे आजकल मैंने देखा बहुत सारे लोग ग्रीन नेट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, गनी बैग लोग बहुत फोकस करते हैं, भाई गनी बैग यूज़ कर ले क्या, गनी बैग यूज़ कर ले क्या। प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन जो आपका क्वालिटी है और जो रिस्क है वो आपका गनी बैग में और ग्रीन नेट में काफी लेवल तक इंक्रीज हो जाता है। ठीक, गनी बैग जो है शेड तो जरूर कर देगा लेकिन मॉइस्चर को उड़ने से ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से रोक नहीं पाएगा। ठीक, बेड को बहुत अच्छे से ठंडा नहीं कर पाएगा। जो हम पराली डालते हैं अपने बेड के ऊपर या केले के पत्ते डालते हैं और जब हवा उसके अंदर से निकलती है तो वो एक कूलर की तरह काम करता है। जो गनी बैग और जूट के, जो जो ग्रीन नेट के, जो कभी कपड़े लोगों ने इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है, वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा हमारे वर्म्स को। ठीक, तो बेड पे बहुत स्पेशल ध्यान रखना है आपको, केले के पत्ते या पराली, केले के पत्ता या पराली दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा है केले के पत्ता, क्योंकि ये आपके बेड में बेडिंग के अलावा, कवर के अलावा, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ठीक है, पी और के, ये दोनों भी आपके खाद में ऐड करता है। तो जिससे क्या, आपके खाद का जो करेक्टरिस्टिक है, गुणवत्ता है ना, और बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर आप हिसाब करेंगे तो पर बेड, ठीक, लगभग 250 रुपये की कॉस्टिंग आपकी आती है कवर का। कवर आप किसी भी चीज़ से करें, केले के पत्ते से करें, पराली से करें, ठीक, जूट के बैग से करें, ठीक, तीनों ही केसेस में आपका पर बेड का जो कवर है, पर बेड का जो खर्चा है, वो लगभग लगभग 250 रुपया आ जाता है। ठीक है, अगर अब इसके अलावा हम आ जाते हैं कि भाई हमारा लैंड का जो हमने रिक्वायरमेंट, जो लैंड ऑलरेडी हमने अज्यूम कर लिया कि भाई लैंड हमारे पास है, जमीन हमारे पास है, वो लीज का हो चाहे खुद का हो, लैंड हमें कितनी चाहिए, हम जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वहां पे हमें 1 एकड़ ऑफ लैंड चाहिए।
ठीक है, 1 एकड़ लैंड के हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं जहां पे हम 50 फीट वाले 100 बेड लगाएंगे, ठीक है, फेज मैनर में। 1 एकड़ 50 फीट, 100 बेड, बेड साइज हमारा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ये हो जाएगा हमारा 50 × 4 फीट, ठीक है, 50 × 4 फीट के हमारे बेड होंगे, कितने बेड होंगे, 100। तो 100 बेड के साइट को स्टैब्लिश करने में और उसको 1 साल चलाने में क्या एक्सपेंसेस आएगा, क्या रेवेन्यू आएगा, वो हम निकालेंगे और उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई अंडा सोने का होगा या अंडा मिट्टी का है। ठीक है सर, आ जाइए। अच्छा, इस आप जो हमने डिस्कस किया कि भाई हम 2 साल का साइकिल लेंगे, 1 साल में हम जो अजम्पशन लेके चल रहे हैं वो हम चल रहे हैं 5 साइकिल का, ठीक है, हम 1 साल में 1, 2, 3, 4, 5, ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, फर्स्ट हो गया, और ये जो बचे 5 है ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, ठीक है। पहले साल में हम स्टार्ट करेंगे 25 बेड से, ठीक, 25 बेड से करेंगे, फिर 50, फिर 100, और फिर यही 100 जो है चलते रहेगा सब में आखिरी तक। आखिर तक भी हमारे पास कितना बेड होगा सर, आखिर तक भी हमारे पास 100 बेड ही रहेंगे, हम उस बेड को अब फिलहाल इस प्रोजेक्ट में इस कैलकुलेशन में इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। 25 बेड का, 50, 100 और फिर 100 चलता रहेगा। जो अर्थवर्म हम परचेस करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, अर्थवर्म हमेशा हम पहले सिर्फ एक बार ही परचेस करते, पहले सेट ऑफ बेड्स के लिए ही परचेस करते हैं, तो हम सिर्फ 25 बेड का ही अर्थवर्म परचेस करेंगे। उसी अर्थवर्म से फर्दर हम मल्टीप्लाई करवा के 50 बेड लगाएंगे, फिर 50 बेड से मल्टीप्लाई करके हम 100 बेड लगाएंगे, और फिर वो 100 बेड को हम कंटिन्यू करते रहेंगे अगले 2 साल तक, ठीक। जो साइकिल टाइम हमने एज्यूम किया है इसमें वो किया है 75 डेज का। देखिए, पहले साल में बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं या बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं कि 4 साइकिल ही होना चाहिए, बहुत लोग 5, बहुत लोग 6, बहुत लोग 7 तक भी चले जाते हैं, ठीक है। तो एक सेफर साइड हमने न बहुत कम न बहुत ज़्यादा 5 साइकिल लिया है, प्लस ये भी है कि हम इस इंटेंशन से काम करेंगे कि भाई मुझे इसमें ग्रो करना है, हम मुझे इसमें से पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट निकालना है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम 4 क्यों करेंगे, कम से कम 5 तो करेंगे ही, 6 ना कर पाए तो भी दूसरे साल हम 6 कर सकते हैं, फिर भी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ना हो जाए पैसे कमाने का कि भाई ये 6 करना है या 7 करना है और ज़बरदस्ती करना पड़ जाए, इसलिए हमने दूसरे साल भी 5 साइकिल ही रखा है, जबकि बड़े आसानी से 6 साइकिल की अर्थफॉर्म एक बार परचेस करना है और सिर्फ 25 बेड के लिए परचेस करना है। गोबर हमको हर बार टॉप अप करना है, हर बार गोबर हमको परचेस करना है, बेड के कवर हर बार परचेस करना है। बेड के कवर जो है, अगर आप केले के पत्ते यूज़ करते हैं तो एक ही पत्ता लगभग 2 साइकिल तक चला जाता है, लेकिन फिर भी हम उसको हर साइकिल में ऐड ऑन करेंगे ताकि हमारा जो बेडिंग है, जो हमारा कवर है, वो जितना अच्छा हो सके उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जो है पहले साल की कॉस्टिंग के ऊपर कि पहले साल हम ये सारे चीज़ में जो अपना सेटअप करेंगे उसमें क्या क्या और क्या क्या बेसिकली कितने एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारे इस कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमने काउ डंग का जो पर ट्रॉली रेट है वो 2000 रुपया पर ट्रॉली फिक्स कर दिया, ठीक। अर्थवर्म का रेट 100 रुपया पर केजी का हमने वर्म्स या पर 1000 वर्म्स का रेट हमने क्या क्या फिक्स कर दिया। जो बेड कवर है वो लगभग 250 रुपया पर बेड का खर्चा हमें आएगा। जो लेबर हमने इसमें ऐड किया है वो पर लेबर कॉस्टिंग जो है 10,000 रुपीज़ के लिए है पर मंथ का, पर महीना एक लेबर 10,000 रुपया, ठीक। तो पहले साइकिल की हम बात कर लेते हैं। पहले साइकिल में हमारे पास लगभग 25 बेड लगेंगे, 25 बेड में चूंकि हमारा, अच्छा हाँ एक चीज़ वो मिस हो गया, वो ये एक बेड जो हम बात कर रहे हैं 50 फिट का, उसमें 5000 किलो गोबर के जाएंगे, मतलब एक बेड 50,000 किलो 5000 किलो गोबर से बनेगा। बहुत सारे वीडियोस आपने YouTube में देखा होगा जहाँ पे 30 फीट के बेड में 1500 किलो गोबर लोग एडवाइस करते हैं, हम नहीं करते, हमारे 50 फीट में 5 टन गोबर जाता है। थोड़ा बेड हमारा बड़ा होता है, क्वांटिटी भी वॉर्म जो खाद का निकलता है वो थोड़ा ज़्यादा निकलता है। चलिए वही हम वापस कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो 5000 किलो के हिसाब से 25 बेड में हमको 38 ट्रॉली गोबर लग जाएगा, 38 ट्रॉली जो है हमारा गोबर लग जाएगा, 37-38 ट्रॉली गोबर लग जाएगा, जिसकी कॉस्टिंग आएगी 76,000 रुपीज़, ठीक है। वॉर्म का रेट हम एक एक बेड में हमारा 50 फीट के बेड में 50 किलो वॉर्म जाएगा, जो हमने पहले ही बोला था कि भाई पर रनिंग फीट के हिसाब से पर किलो वॉर्म डलता है, तो 1250 किलो वॉर्म हमारा डलेगा जो हो जाएगा 1,25,000 रुपये का, 1,25,000 का, ठीक है। बेड का जो कवर है हमने ऑलरेडी इस पर डिसाइड किया, 250 रुपये का 25 बेड
हमारे पास है तो 6,250 रुपया, 6,250 रुपये का हमारा कवर लग जाएगा पहला साइकिल जो हम सेट करते हैं। तो हमारे पास लेबर सेव करने का बड़ा अच्छा स्कोप होता है, हमें ट्रैक्टर ट्रॉली वहीं पे डंप करना है जहाँ पे हमें गोबर बेड बनाना है, ठीक। हम चूँकि हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करते, ईंटें यूज़ नहीं कर सकते, तो बड़े आराम से बिना लैंड को बहुत ज़्यादा काम किए हुए हम गोबर को वहीं पे डाल सकते हैं जहाँ पे हमारा बेड बनना है, और एक बंदा उसको दो भागों में हिस्से में बांट के ठीक दो बेड के रूप में कन्वर्ट करके उसकी ड्रेसिंग कर सकता है। एक लेबर बड़े आराम से 500 रुपया 400 रुपये की दिहाड़ी में दिन में 6 बेड कंप्लीट कर सकता है, ठीक। उस हिसाब से हमारे 25 बेड में, जो कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पैसा लेकर चला हूँ, तो 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस मैंने काउंट किया है, ठीक है। इसके अलावा 5,000 रुपया 5,000 रुपीज़ जो है अन्य खर्च मिसलेनियस एक्सपेंसेस में काउंट किया है, तो हमारा पहले साइकिल का खर्चा जो है लगभग लगभग 2 लाख रुपया आ रहा है। इस पूरे पहले साइकिल में हमने एक एजम्पशन और किया है, वो ये है कि जो वाटरिंग है या डे डे डेली बेसिस पे जो देख रेख है वो होगा सेल्फ, खुद आप खुद करेंगे, आप खुद जो है पहले साइकिल में बेड़ों की देख रेख करेंगे। जब भी कुछ बड़ा काम करना हो, जैसे कटाई करवाना है, ठीक है, नए बेड बनवाने हैं, तो हम बाहर से दिहाड़ी पे बंदा लेके आएंगे, हमारे पास परमानेंट लेबर इस पीरियड में नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमें आ जाता है सेकेंड साइकिल पे, जो कि हमारा 50 बेड का, 75 बेड में लगभग 75, डेढ़ ट्रॉली के हिसाब से 75 ट्रॉली गोबर जाएगा, जो कि 1.5 लाख का हो जाता है। 50 हाँ, कोई केचुआ नहीं डलेगा, क्योंकि केचुआ जो हमको डलना था पहले बार में डल गया, दोबारा केचुआ नहीं डलेगा। 50 बेड का जो कवर है वो लगभग 12,500 रुपये का आ जाएगा, और जब हम 50 बेड पे पहुँचेंगे तो हम लगभग 2 लेबर परमानेंटली रख लेंगे। 2 लेबर का कॉस्टिंग आ जाएगा 2.5 महीने के लिए, जो कि हमारा 75 डेज का साइकिल है, 2.5 महीने के लिए 5,000 रुपये आ जाएगा। अन्य खर्च को हमने ऐड करके 10,000 रुपीज़ कर दिया है, फिर से हमारा सेकंड साइकिल का खर्चा आ गया लगभग 2.25 लाख रुपये, ठीक। आपको बहुत सारे क्वारीज आ रहे होंगे, आने भी चाहिए, आप प्लीज़ मेरा नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा या इसके कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा, और मैं आपको पूरा कोशिश करूँगा आपके क्वारीज को रिजॉल्व करने के लिए। ये सारे कैलकुलेशंस मैं अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूँ, हमने बहुत सारे साइटों पे इसको अप्लाई किया है और प्रूव किया है, उसके बाद ही मैं आकर आपको ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। थर्ड साइकिल पे अब हम 50 बेड से सीधे 100 बेड पे आएंगे, वापस अपने बेड डबल करेंगे उसी केचो से जो हमारे 50 बेड में डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पे 100 बेड के लिए हमको 150 ट्रॉली लग जाएगी, लगभग 100 बेड के लिए 25,000 का हमारा कवर लग जाएगा। जब हम 50 बेड से 100 बेड की तरफ जाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ लेबर्स वो हो जाएंगे 5, 2 से हम 5 लेबर पे आ जाएंगे, 5 परमानेंट लेबर जिनका 2.5 महीने का सैलरी हो जाएगा 1.25 लाख रुपया। जो अन्य खर्चे है वो हमारे बढ़ा के हो जाएंगे 20,000 रुपया, और जो हमको टोटल खर्चा आया थर्ड साइकिल में वो हो गया 4,70,000 रुपया, ठीक है। 3 साइकिल तक हमारा यहाँ खर्चा आ गया। सिंस हम तीसरे साइकिल पे 100 बेड पे चले गए हैं, तो जो खर्चा तीसरे साइकिल पे आएगा लगभग वही खर्चा चौथे पे भी आएगा, और वही खर्चा हमको पांचवे पे भी आएगा, ठीक है। खर्चा जो है अगर हम बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, जैसे इन्फ्लेशन को इग्नोर कर दें, तो लगभग ये खर्चा अगले 2 साल तक सेम चलने वाला है। अगर कुछ महंगाई आएगा, कुछ इन्फ्लेशन आएगा, तो हमारे खाद के रेट में भी इन्फ्लेशन होगा, वहाँ भी कुछ बढ़ोतरी होगी, तो वो उन दोनों चीज़ को हम एक बार के लिए इग्नोर करके सिंपलिसिटी के लिए सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं दूसरे साल को भी, ठीक। अगर गोबर का रेट बढ़ेगा, लेबर का रेट बढ़ेगा, तो हमारे खाद का भी रेट बढ़ेगा, तो वो कंपनसेट कर देंगे एक दूसरे को, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी एक तरह का एजम्पशन है, बट हमको आइडियल सिचुएशन क्रिएट करना है तो एजम्पशन तो बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, और कोशिश करना पड़ेगा कि बाय प्रैक्टिस, ठीक, हम अच्छे से साइकिल को कंप्लीट करें, हमारा नॉलेज को बढ़ाएं, और आइडियल के जितने क्लोज आ सकते हैं उतने क्लोज हम आने की कोशिश करेंगे। दूसरे साल की बात करते हैं, जहाँ पे हम वापस हमने 5 साइकिल लिया है, और तीसरे चौथे पांचवे साइकिल के तौर पे ही अगर यहाँ भी खर्चा करें तो 4,70,000 का खर्चा हमको हर एक साइकिल पे आएगा, ठीक। पहले साइकिल में टोटल हमारा एक्सपेंस हो गया 18.5 लाख, दूसरे साइकिल में टोटल एक्सपेंस हमारा 23.5 लाख रुपया, ठीक है। लगभग लगभग आप ये माने कि 40 लाख का हमारा टोटल एक्सपेंस आ गया 2 साल में। एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई ये पूरा खर्चा करने के लिए हमको जेब से कितना पैसा लगाना पड़ेगा, तो उसका आंसर है पहला 2 साइकिल तो 100% लगाना है, मतलब ये 4.5 लाख रुपया तो आपको पक्का अपने जेब से लगाना है, और जो तीसरा साइकिल है इसका लगभग लगभग 50%, तो मतलब आप ये मानिए 5 से 6 लाख रुपया अगर आपके पास रहे तो आप इतना बड़ा
साइट जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी पैसा जो है वो रोटेशन से आएगा आपको, आप प्रोडक्ट रेडी करेंगे, सेल करेंगे, बेच के जो पैसा आएगा उससे अगला साइकिल चलाएंगे। देखिए अगर स्टार्टिंग के 2-3 साइकिल में सिंस आपके पास मार्केट नहीं होता है, मार्केट आपका डेवलप हो रहा होता है, पैसा आने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता, पैसा कभी टाइम पे भी आ सकता है, सेल होने में डिले हो गया तो पैसा लेट से भी आएगा, बट केचुओं को खाना तो पहले टाइम पे देना है उनको, उनका खाना खत्म हो गया उनको खाना चाहिए, गोबर आपको चाहिए देना ही देना है, लेबर आपके पास काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आपको देनी है, तो ये पैसा जो है 5 से 6 लाख रुपया जो है वो आपको लगाना पड़ सकता है अगर टाइम पे पैसे नहीं। अगर टाइम पे पैसे आ गए, सेकंड साइकिल का पैसा आपके पास टाइम पे आएगा, तो 2 लाख इसमें भी बच जाएगा आपके पास। ठीक है, वो हम फर्दर डिस्कशन करेंगे जब हम रेवेन्यू की बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने सोने के मुर्गी अंडे के बारे में। ठीक है, सोने का अंडा पे आ जाते हैं भाई। सोना का अंडा कैसे बनेगा? वो बनेगा हमारा वर्मी कंपोस्ट बेच के। तो वर्मी कंपोस्ट का क्या रेट है वो डिसाइड करेगा भाई कितना पैसा हमारे झोली में आएगा। वर्मी कंपोस्ट जैसे गोबर का रेट हर जगह अलग अलग है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन वैसे नहीं है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो है वो पूरे इंडिया में अलग अलग हिस्सों में बहुत अलग अलग रेट से बिक जाता है। ठीक, चूँकि हम लोग NCR से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा NCR का रीजन है वो सबसे सस्ता वर्मी कंपोस्ट बिकता है यहाँ पे। NCR में रीजन है, रेट है 4 से 5 रुपये पर केजी। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का एक वर्मी कंपोस्ट, बल्क का रेट मैं बता रहा हूँ। बल्क का मतलब जो 2 टन, 3 टन, 4 टन, 5 टन, 60 टन के, या उससे बढ़ा के आप 100 टन तक चले जाइए, उसका रेट मैं बता रहा हूँ 4 से 5 रुपया। रिटेल की बात नहीं कर, 2 टन से नीचे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 2 टन से नीचे आते ही रेट जो है वो पे लगभग 50 पैसा, 1 रुपया और इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक, दिल्ली NCR में सबसे सस्ता है। जो सबसे बड़ा आज के डेट में हमारे क्लोज में मार्केट है हिमाचल, हिमाचल और JNK, यहाँ पे रेट 8 रुपये से लेके 10 रुपये के बीच में है, सीधा डबल, सीधा डबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। सबसे महंगा जगह, सबसे महंगा बिकता है खाद नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहाँ गोबर बिल्कुल भी नहीं मिलता है और वहाँ पे डिमांड इस हिसाब से है कि लोग 5 रुपये किलो गोबर परचेस करके नीचे से ऊपर ले आते हैं, पहाड़ों पर ले आते हैं। यहाँ आपका वर्मी कंपोस्ट बिक जाता है 15 रुपया पर किलो के ऊपर, 15 से मतलब ऊपर बिक जाता है, 15, 16, 17, 20 तक चला जाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं साउथ। साउथ में लगभग 10 या उससे ऊपर, 10 या उसके ऊपर का रेट आपको मिल जाता है साउथ में वर्मी कंपोस्ट बल्क के रेट करते हैं। अगर हम रिटेल की बात करें साउथ में, तो ये 16 रुपया तक चला जाता है। महाराष्ट्र, यहाँ 8 से 10 रुपया। MP की बात करें, MP में 6 से लेके 9 रुपया। गुजरात की बात करें, तो गुजरात जो है वापस आपका लगभग लगभग 6 से 9 के आसपास ही रहता है। अगर हम राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पे रेट हमारा दिल्ली के आसपास ही रहता है, 5 से लगभग 7 रुपये के बीच में वैरी करता है यहाँ पे। ठीक, ये पंजाब, हरियाणा, ये भी लगभग लगभग सेम रेट पे है। तो इतने सारे रेट को देख के हमारे पास रेट का रेंज आ गया 4 रुपये से लेके और 16 रुपये तक का। कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम लोग एक 5 रुपये का एवरेज रेट पकड़ लेंगे बल्क का, कि हम बल्क में बेच रहे हैं, टनों में बेच रहे हैं, तो 5 रुपये का रेट तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम डिस्कशन कर ले कि भाई हमारे पास अगर 100 है, 25 बेड है, 50 बेड है, तो क्या हमारा प्रोडक्शन होगा। इसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज समझनी है उनके लिए, खासकर जो नया सेटअप चालू कर रहे हैं। एक कि भाई अगर हमारा 50 बेड का, 50 फीट का हमारा अगर बेड है जिसमें हमने 5,000 kg के हैं वॉर्म्स के डाले हैं, ठीक है, जो हमारा कन्वर्जन होता है, जो हमारा कन्वर्जन होता है वो होता है 35% से 40% के बीच में। मतलब जो हमने गोबर डाला है, गोबर का 35 से 40% हमको खाद मिलेगा। तो 35-40% अगर हम 5,000 की बात करें, तो ये आता है हमारा 1,750 से लेके 2,000 किलो के आसपास। ये उस केस में बहुत ही ट्रू है जिसमें हमारे बेड पुराने हैं, मतलब सेकंड साइकिल का बेड है, थर्ड साइकिल का बेड है, फर्स्ट फोर्थ साइकिल का बेड है। लेकिन जब हमारा बेड पहले साइकिल में होता है, तो हमें हमारा हमको जो है ये कंपोस्ट नहीं मिलता, इतनी क्वांटिटी नहीं मिलती है, बनती तो है इतनी क्वांटिटी, बट प्रॉब्लम होता है कि वो फिर 3 हिस्सों में बढ़ जाती है, वो जो है 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। जो 50% हमारा कंपोस्ट है वो हमको छोड़ना पड़ता है बेड में
वर्म्स के लिए, उसी बेड में केचुओं के लिए 50%, मतलब 1 टन हम कंपोस्ट वहां पे केचुओं के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रहा 25% है, जो बचा हुआ 25% है, वो 25% हम नए बेडों में डालते हैं निकाल के केचुओं के साथ, ठीक, केचुओं के साथ उस बेड से निकाल के हम नए बेड में 25% डाल देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग जो 25% बचा, मतलब लगभग 500 kg, ठीक, वो हमको मिलता है सेल के लिए, मतलब पर बेड। जो हमारा पहला साइकिल है, या जितने बार भी हम नया बेड लगाएंगे, तो पहले बार में हमको सिर्फ 500 किलो ही कंपोस्ट मिलेगा बेचने के लिए। सेकेंड साइकिल से हमको ये जो हमारा क्वांटिटी है 1700 से लेके 2000 के आसपास ये मिल जाएगा, लेकिन पहले पहले साइकिल में, पहले न्यू बेड में सिर्फ 500 किलो हमको बेचने के लिए मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हमारे समझने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई हमको टोटल जो है पूरे साल या 2 साल में क्या रेवेन्यू मिलेगा, ठीक। नंबर देखिए, आप मेरे पर हंसना मत, प्रूवन नंबर है, अगर आप ढंग से काम करोगे तो ये नंबर बिल्कुल आपको मिलेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, पहले जो पहला साइकिल हमारा है 25 बेड का, ठीक है, 500 के हिसाब से हमको सिर्फ 12.5 टन जो है खाद मिलेगा, और 5 रुपया हमने जो रेट तय किया था, 5,000 रुपये पर टन का रेट है, 5,000 रुपया, 5 रुपया पर किलो के हिसाब से, तो हमें पहले में लगभग 62,000 रुपये का आमदनी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड साइकिल में क्या होगा, हमारे पास पुराने वाले बेड 25 होंगे और नए वाले बेड जो है 25 होंगे, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मैंने ये फिगर ऊपर नीचे लिख दिया है। 25 जो पुराने बेड हैं उनसे 1750 जो मिनिमम क्वांटिटी पॉसिबल है हमने वो कैलकुलेट किया है, तो 1750 के हिसाब से, ठीक, लगभग 43-44 टन के आसपास हमको खाद मिलेगा, और जो नए वाले बेड से उनसे वापस 12-12.5 किलो मिलेगा, तो ये जो है टोटल अमाउंट हमको सेकेंड साइकिल से लगभग 3-1 लाख के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही, सॉरी, ये दूसरे साइकिल में, तीसरे साइकिल में 50 हमारे पास नए हैं, 50 पुराने हैं, 50 आधे नए आधे पुराने, तो 50 नए 50 पुराने, तो इसमें से लगभग लगभग हमको जो है 110 टन के आसपास कंपोस्ट मिलेगा, और हम कुछ एक 4.5-5 लाख के आसपास का सेल कर सकते हैं, ठीक। चौथे साल में, फोर्थ ईयर में, जो कि हम जब नया एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, बेड्स हम नए नहीं बना रहे हैं, तो हमारे पास लगभग 100 बेड होंगे, 100 बेड में 1750 किलो के हिसाब से 175 टन का हमारा प्रोडक्शन होगा, और लगभग 9.25 लाख का सेल होगा। पांचवें साइकिल में भी लगभग लगभग वही सेल होगा, तो टोटल जो सेल हमारा है ना वो 26.5 लाख के आसपास आ जाता है। हमारा जो टोटल एक्सपेंस था पहले साल में वो 18.5 लाख का है, तो जो हम प्रॉफिट की बात कर सकते हैं पहले साल में वो लगभग 8 लाख की है, ठीक। एक मेजर छोटा सा, मतलब मेजर तो नहीं कहेंगे, बट एक एक्सपेंस हमसे मिस हो गया है, जो हमने कैलकुलेशन में नहीं डाला है, वो है हमारा सीविंग मशीन का। जो सीविंग मशीन है 20K, 20,000 में मैनुअल सीविंग मशीन बड़े आराम से आपको मिल जाती है। मैनुअल ही आपको लेना है, क्योंकि मैनुअल ही हमारे जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग मॉडल को सूट करता है, जहाँ पे हम अपने मशीन को आसानी से उठा के एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके चले जाएंगे। हम कट्टों को मशीन तक लेके नहीं आते, मशीन को उठा के अपने कंपोस्ट का जो ढेर है, जो बेड के सामने ही जमा होता है, वहां ले जाते हैं, वहीं पे उसकी सीविंग करते हैं, वहीं पैकिंग होती है, उस रोड पे हमारा ट्रक अंदर आता है और वहीं उसकी लोडिंग हो जाती है। हमारा लेबर सर पे लेके उसको नहीं मूव करेगा, पैसा हमारा वहां पे वेस्ट नहीं करेगा लेबर में, ठीक। इसी तौर पे हम दूसरे साल की बात करते हैं, तो दूसरे साल में चूंकि सारे हमारे 100 बेड का साइकिल है, 100 बेड का बेड है पर साइकिल, और सारे हमारे पुराने बेड है, तो 1750 के हिसाब से और 5,000 पर टन के हिसाब से हमें लगभग लगभग 44 लाख रुपया मिल जाता है। 44 लाख रुपया का हम रेवेन्यू कर सकते हैं। दूसरे साल में हमारा लगभग 23.5 लाख का खर्चा था, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हमको आ जाएगा लगभग 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, ठीक। पहले साल में 8 लाख रुपया, दूसरे साल में 20 लाख रुपया। बड़े ध्यान से ध्यान देने वाली बात है कि ये सारा कैलकुलेशन हमने सिर्फ 1 एकड़ ऑफ लैंड और 100 बेड पे किया है। अगर दूसरे साल के बाद आपको लगता है कि आपके पास बैंडविथ बचा है, आप और अच्छे से काम को समझ गए हैं, आपके पास कस्टमर है, सारा प्रोडक्ट आप सेल कर पा रहे हैं और कस्टमर और इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक, तो आप 200 बेड कर लीजिए, 300 बेड कर लीजिए, 400 बेड कर लीजिए, ठीक। 20 लाख को आप बढ़ा के कितना भी कर सकते हैं,
पहली बात। दूसरी बात ये, इस पूरे कैलकुलेशन में आपने बड़े ध्यान से देखा होगा कि हमारे पास अर्थवर्म, जो कि वो भी एक हमारा प्रोडक्ट हमारे पास है, हमने कहीं भी उसको ऐड नहीं किया है। अर्थवर्म का सेल कहीं भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। जो बंदा अगर 20 लाख का वर्मी कंपोस्ट सेल कर सकता है, वो बड़े आराम से 10 लाख रुपए का अर्थवर्म साल में सेल कर सकता है। सेल तो वैसे वो 20 लाख का अर्थवर्म कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसको इजी रखने के लिए हम ये मान लेते कि वो आधा ही सेल कर पाएगा, मतलब वर्मी कंपोस्ट के रेवेन्यू के आधा रेवेन्यू का ही अर्थवर्म सेल कर पाएगा। 10 लाख वो वहाँ भी सेल कर सकता है, तो 30 लाख का बड़े आसान, मतलब 30 लाख का पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है अर्न करने का फ्रॉम 1 एकड़ ऑफ लैंड। 1 एकड़ के लैंड से 100 बेड से आप 30 लाख रुपया कमा सकते हैं। 200 अगर कर लेंगे तो 60, 300 कर दें तो 1 करोड़ आराम से पहुँच सकते हैं। आराम से तो नहीं होता है, क्योंकि ये रियलिस्ट आइडियलिस्टिक कंडीशन है। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर से कहता हूँ, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसके अंदर पूरा डूब जाना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, गलतियों का कोई स्कोप इसके अंदर नहीं है। मौसम का पूरा पूरा साथ, जिसको बोलते हैं नसीब साथ देगा, लक साथ देगा, मतलब मौसम ने आपको पूरा साथ दिया तो ये कर सकते हैं। हमने किया है, हमने कई जगह पे करवाया भी है। ठीक, तो जितने लोग ये क्लेम करते हैं कि भाई वर्मी कंपोस्ट से हम 2 करोड़ कमा रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट से 5 करोड़ कमा रहे हैं, अगर उस लेवल का उनके पास साइट है, 500-1000 बेड है, 5-7 साल 10 साल से कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कमाते, पहली बात। दूसरी बात, जो हमने इसमें रेट लिया है 5 रुपया पर किलो का, जो हमने रेट लिया है वो रेट 5 रुपया का नहीं, एवरेज रेट 6-7 रुपया आ जाता है, क्योंकि आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में सेल करते हैं। हमने जो रेट लिया वो बल्क प्लस 50 किलो कट्टे का रेट लिया है, बट आप जब 2 किलो कट्टे में बेचेंगे, 5 किलो कट्टे में बेचेंगे, 1 किलो कट्टे में बेचेंगे, तो आपका रेट वो नहीं रहेगा, 5 नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो एवरेज रेट जो भी आएगा 5 से ऊपर ही रहेगा। ठीक, हमने इसमें रेट और अर्थवर्म दो चीज़ को छोड़ा है, उसके बाद भी हमारा कैलकुलेशन कहता है कि हम 20 लाख तक बड़े आराम से कमा सकते हैं। 2 साल अच्छे से काम करने के बाद तीसरे चौथे साल में आप जो साइकिल है 5 साइकिल को बढ़ा के 6 और 7 में भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई साल में आपको 2 महीने 60 डेज के साइकिल पे 6 साइकिल लेनी है, तो फिर वापस वहाँ पे आपकी प्रॉफिट जो प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो और बढ़ जाएगा। तो पूरे मिलाए कहने का मतलब ये है कि जो हम जिसको कहते हैं कि भाई हमारा जो सोने बिल्कुल पॉसिबल है, पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी है कि हम वर्मी कंपोस्ट को सोने के अंडे में बना सकते हैं। ठीक, इस पूरे अपॉर्चुनिटी में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है आपका लेबर। अगर आपने अपने लेबर के समय को सही इस्तेमाल कर लिया, ठीक, तो आप बहुत हद तक यहाँ पहुँच सकते हैं, अगर आपको मौसम ने साथ दे दिया और बाकी चीज़ भी टाइम पे आप कर रहे हैं। लेबर एक ऐसा कॉस्ट है जो पूरे सिस्टम में सबसे वेरिएबल यही है। आप एक समय के बाद आपका गोबर का कॉस्ट फिक्स हो जाएगा, बाकी चीज़ों का कॉस्ट फिक्स हो जाएगा, बट जो लेबर का आउटपुट है वो कभी फिक्स नहीं होता है। अगर आपने सिस्टम गलत बना दिया और लेबर को बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ रहा है, बहुत ही आर्टिफिशियल आप सेटअप बना रहे हैं, आर्टिफिशियल मतलब बहुत दिखावे वाला बना रहे हैं, आपने एक अच्छा सा ऑफिस बना दिया है, एसी लगा लिया, आप एसी बैठ रहे हैं, लेबर बाहर काम कर रहे हैं अपने से, तो भाई साहब पर किलो जो सिर्फ लेबर खर्चा जो है ना 4 से 5 रुपया हो जाएगा, 5 में बेचोगे कैसे? ठीक, अगर आपको 5 का बेचना है तो जो आपका लेबर का खर्चा है किसी भी दिन 1.25 रुपया से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 1.25 रुपया पर किलो लेबर आप यूज़ कर पा रहे हैं या 1.25 रुपया पर किलो लेबर निकाल पा रहे हैं, तो ही आप 5 का बेच पाएंगे और ये सारा फिगर अचीव कर पाएंगे। लेबर इस पूरे सक्स मतलब इस पूरे में लेबर जो है, लेबर कंट्रोल जो है, लेबर की जो एफिशिएंसी है, वही सक्सेस मंत्र है। तो हो सकता हो, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन मैं कुछ शेयर कर पाया हूँ, और आपके जो भी डाउट्स होंगे, कमेंट्स होंगे, आप मुझे यहाँ कमेंट भी कर बता सकते हैं। मेरा नंबर जो है 888-232-0074। ठीक, 888-232, मैं फिर से लिख देता हूँ, 888-232-0074। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, कॉल के जगह अगर आप मैसेज कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, आप मुझे क्वेरीज लिख दीजिए, मैं आपको रिवर्ट करके बता दूंगा। और एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं बहुत सारे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वर्मी कंपोस्टिंग बिजनेस से या कोई और से बिजनेस से भी, वो हम आपके लिए लेके आएंगे और आपसे हम शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। जी, धन्यवाद।